अब बारिश यार, ये बारिश पता नहीं क्यों आती है, मुझे बार बार फिर माइक हटाना पड़ता है और सारा मजा खराब हो जाता है। हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं MSB MotoVlogs। यस, तो आज की राइड बना रखी है हमने हैड़ाखान तक। परसों इससे पहले वाले वीडियो में जहाँ हम गए थे पसौली तक, वो रास्ते का ही सीन था। आज पूरा जाएंगे हम हैड़ाखान तक। तो चलो देखते हैं आगे क्या सीन है। यहाँ को तो अभी धूप लगी हुई है, ऊपर का कुछ कह नहीं सकते। अभी बारिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बादल लगे हैं। और ये ऊपर देखो, इंडिया का झंडा लगा हुआ है। और है यहाँ पे एक टैंक। अभी इस टैंक के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। शायद ये पाकिस्तान से युद्ध में कब्जे में लिया गया था या इंडिया का ही है, अभी मुझे कुछ कंफर्म नहीं है। और ये अभी मैंने वॉक पे क्रॉस ही किया है और ऊपर को दिखने लग गया है मौसम बारिश वाला। और ये देखो, यहाँ तो रोड में बारिश दिख भी गई, पूरी रोड गीली पड़ी है। पता नहीं क्या होगा आज। बाप रे, यहाँ तो सारा नज़ारा ही बदला हुआ है, ऐसा लग रहा है बारिश तो खतरनाक ही होगी। लो बारिश भी पड़ने लग गई यहाँ से। आज मेरे साथ भुवंदा और भंडारी भी हैं, पर वो पता नहीं है कहाँ। पुल पे रोकते हैं स्कूटी और फिर उनको फ़ोन करते हैं, या क्या पता पुल पे ही रुके हैं वो भी। तो भाई यह है गोला का नज़ारा। फ़िलहाल हम चल रहे हैं हैड़ाखान को, और आज भी थोड़ा जाना संदिग्ध ही लग रहा है मुझे। मतलब कुछ पक्का नहीं है, देख लो मौसम तो ऐसे ही हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो ये जा रहे हैं हम हैड़ाखान 33 किलोमीटर। खैर बारिश में जाने का ये घाटा होता है कि आप पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे पता नहीं, लेकिन मौसम बहुत ज़बरदस्त होता है। जैसा उस दिन वो टाइम लैप्स आया था गजब का। अब बारिश यार, ये बारिश पता नहीं क्यों आती है, मुझे बार बार फिर माइक हटाना पड़ता है और सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। यो, ऑल राइट। तो यहाँ रुके थे हम अभी चाय के लिए। चलते हैं अब आगे को पसौली से हैड़ाखान की तरफ। और ये देखो सामने क्या लगा हुआ है, फर्स्ट क्लास नज़ारा। कोहरा उड़ते हुए जा रहा है, भंडारी लोग आ रहे हैं पीछे से, और हम बढ़ते हैं आगे को। वाह, तो ये यहाँ पे रास्ते में एक जलाशय पड़ा है। तो ये मेरे ख्याल से बरसात में ही भरता है, वैसे तो ज़्यादा नहीं होता इसमें कुछ, तो ऐसा है कुछ ये सही है। ये मेरे ख्याल से यहाँ खेती वेती में काम आ जाता होगा। ऑल राइट, चलो यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा फोटोग्राफी। ऑल राइट, तो ये जो ये देख रहे हो आप लेक पीछे से, एक्चुअली ये बरसातों में ही ज़्यादा दिखती है। पहले भी हम यहाँ से हैड़ाखान जब जाते थे तो इतनी ज़्यादा ये दिखती नहीं थी, मतलब क्योंकि बरसातों में हम ज़्यादा जाते नहीं थे। बरसातों में पहली पहली बार ही जा रहे हैं,
तो गर्मियों में कभी थोड़ा बहुत पानी होता था या फिर थोड़ा बहुत ही होता था बस, मतलब कभी ऐसी भरी हुई नहीं देखी हम, आज पहली बार इसको इतना भरा हुआ देख रहे हैं। तो हो गया यहाँ पे काफ़ी, मतलब लगभग 15-20 मिनट हम रुक गए हैं यहाँ पे, अब चलते हैं आगे को हेड़ाखान। ऑल राइट, तो बढ़ गए हम आगे को और यहाँ से पानी की कुछ बूंदें गिरने लगी है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्या पता आगे फिर साफ हो मौसम। और हेड़ाखान यहाँ से कितना रह गया होगा, अच्छा हेड़ाखान रह गया 11 किलोमीटर। चलो अब जल्दी से हेड़ाखान पर ही रोकते हैं। ओहो, गिर गया, स्कूटी उठानी पड़ेगी। पता नहीं क्या लगा यहाँ पे, कुछ लगा, पत्थर था क्या था पता नहीं यार, कैसे गिरी। मैं कैमरे से माइक हटाने के लिए रुक रहा था, भड़ाक करके गिर गई स्कूटी, आगे की नंबर प्लेट भी मुड़ गई। कुछ टूटा तो नहीं? नहीं, स्कूटी में भी कुछ नहीं टूटा, मेरे में भी कुछ नहीं टूटा। पेट्रोल गिरा क्या, बदबू आ रही है क्या यार। चलो अब आगे ही देखते हैं। यहाँ पे हवा चलने लगी है बहुत तेज। तो बड़े सालों बाद आखिरकार आया हूँ मैं हेड़ाखान। अरे हाँ, यहाँ पे एक बड़ा ख़तरनाक सा रास्ता था, एकदम डाउन फिर एकदम चढ़ाई। यहाँ पे पहले हमें थोड़ा डर लगता था लाने में। आराम से, कहाँ रखी है गाड़ी? एकदम पीसफुल और शांत सी जगह है, बढ़िया मज़ा आता है यहाँ पे। अब तो काफ़ी दुकानें वुकानें भी खुल गई है, जब हम लोग पहले आया करते थे उस टाइम पे यहाँ पे दुकानें भी पूरे रास्ते में गिन के 2 या 3 दुकानें हुआ करती थी और एक दुकान हेड़ाखान मंदिर के बाहर होती थी। अब रास्ते में फ़िलहाल काफ़ी दुकानें आ गई हैं और यहाँ हेड़ाखान के बाहर भी 2-3 खुल गई हैं, तो आना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। तो इन पत्थरों से भी हमने खूब फ़ोटो खिंचाई है, दिल वाले शेप में रहते हैं ये, यहाँ पे काफ़ी हैं दिल वाले शेप वाले। इनमें से 2-3 पत्थर तो पहचाने हुए से लग रहे हैं बंदा, मेरे पास फ़ोटो में हैं ये पत्थर, मैंने और भंडारी ने कहीं पेड़ में चढ़ के खिंचाई थी फ़ोटोज़। ये विराजमान हैं यहाँ अपने हनुमान जी मजे से। और ये मेरा दिल सामने पड़ा है। बड़ा भारी दिल है मेरा। तो ये रहा मेरा दिल। ऑलराइट, तो इधर बैठे थे अभी हम थोड़ी देर ऐसी, अब चलते हैं
ऑलराइट, तो ये बह रही है नदी और ये वही नदी है जो हल्द्वानी को आती है, गोला नदी। यहाँ से होते हुए काठगोदाम होते हुए पहुँचती है ये भीमताल, हिमताल पता नहीं कहाँ कहाँ से आती है। सत्य, सरलता, प्रेम। तो ये है खूबसूरत सा हैडाखान का आश्रम और ये सामने का नजारा। ये देखो यहाँ लगी हुई है मेरी चाबी, वाह। ऐसी करके बहुत चीज़ें खो जाती हैं यार मेरी। चलें फिर। बहुत शांत और पीसफुल जगह है और यहाँ पे ज़्यादातर विदेशी सैलानी रुकने आते हैं, रुकते हैं यहाँ, कई कई महीने रुक कर जाते हैं। अभी भी एक आधी दिख, अभी तो खैर एक आधी दिख रहे थे, वैसे आते रहते हैं यहाँ पे। यह है हैडाखान की मेन रोड जहाँ से हम आए थे और यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा, हैडाखान विश्व महाधाम लिखा हुआ है, यहाँ से आपको अंदर को मुड़ना होता है, बाकी ये रोड आगे फिर गाँवों को चले जाती है। तो मैं यहाँ पे रुकने की सोच रहा था पर यहाँ ताला लगा हुआ है, अब आगे कहीं चाय की दुकान में देखेंगे। हो गया है लगभग लगभग ये पूरा, भी आगे उधर का कर रहे हैं, निकलते हैं यहाँ से जल्दी। तो अभी हम चाय के लिए एक पुरानी दुकान में बैठेंगे जहाँ हम पहले बैठते थे। एक्चुअली पीछे बैठना चाह रहे थे बट वहाँ दुकान बंद थी, तो अब आगे हमने सोचा अपनी पुरानी वाली दुकान में बैठते हैं। ये वीडियो आज हम 2 सितंबर को बना रहे हैं, संडे को। एक्चुअली मैंने सोचा था सैटरडे को बना के संडे को अपलोड करूँगा और उसके लिए हम गए थे कल सैटरडे को कॉर्बेट फॉल और वहाँ जाके पता चला कि आजकल कॉर्बेट फॉल ही बंद है, तो वीडियो मेरा वो बर्बाद हो गया, फिर मैंने नहीं बनाया, मेरा मूड ख़राब हो गया था। तो फिर आज ये संडे को हम आए हैडाखान, अब ये वीडियो या तो मंडे को डालूँगा या फिर वेडनेसडे तक डालूँगा। मेरी प्रॉपर टाइमिंग वैसे संडे और वेडनेसडे है, अगर वीडियो ज़्यादा होते हैं तो संडे और वेडनेसडे को डालते रहता हूँ और कम होते हैं तो संडे संडे डालते रहता हूँ, कभी कभी गैप भी हो जाता है ज़्यादा लंबा। ऑलराइट, तो ठंडा हो रहा है, ये आ गई है हमारी पुरानी दुकान जहाँ हम बैठते थे। तो इधर थोड़ी देर बैठ के चाय मैगी वगैरह करेंगे फिर चल देंगे घर को। प्लान करते हैं। अंकल मैगी बन जाएगी और चाय भी होगी। ऑलराइट, जब तक हम लोग अपना अंदर चाय और मैगी वगैरह कर लेते हैं तब तक आप एक टाइम लैप्स ले लो।
तो हो गया यहाँ पे हमारा टाइम लैप्स, हो गई हमारी चाय, हो गई हमारी मैगी, अब चल रहे हैं हम वापस हल्द्वानी को, और मैं चलाऊंगा थंडरबर्ड, भुवंदा लोग जाएंगे जुपिटर से। चलें तो बारिश में भीगते भागते जैसे तैसे घर पहुंच गए हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए सफ़र पे।